नमस्कार, मैं भारती लोकवाणी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। अजमेर रेंज के नव नियुक्त आईजी एस संगाधीर ने मंगलवार दोपहर को जिले के आसिन का दौरा किया। उन्होंने नए साल में पुलिस की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि जिले में ग्राउंड लेवल पर पुलिसिंग को मजबूत किया जाएगा, साथ ही यहां अफीम व शराब तस्करी से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी। आईजी संगाठीर ने कहा कि प्रदेश में डीजीपी ने नए वर्ष के लिए कुछ प्राथमिकता तय की है, उसी के अनुरूप काम होगा। आईजी ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों को कम करने और जिले में पुलिस के प्रति जनता में विश्वास कायम करने को लेकर आगे भी काम किया जाएगा। निरीक्षण के बाद आईजी ने साल 2021 में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्रवाई कर जनता को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। ईजी एस संगाथीर ने सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी एस संगाथीर को पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने थाने में पुलिस अधिकारियों और जवानों की बैठक को लेकर वर्ष 2021 में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्रवाई कर जनता को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक रोहित मीणा, सीआई महेंद्र सिंह शेखावत, करेड़ा थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद, थानाधिकारी राजेंद्र टाड़ा मौजूद रहे। वार्षिक निरीक्षण के लिए आसिन इसी वक्त में आया हूँ। यहाँ पे जो पिछले चार साल में इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, आसिन वृत्त क्षेत्र में जो तीन थाना पड़ते हैं, आसिन, बदनौर और करेड़ा, इन थानों के कामकाज की समीक्षा करने और पेंडिंग मुकदमे और या अपराध का धोखा जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में एक निरीक्षण करेंगे, साथ साथ जो भी कमियां हैं उसके बारे में बात करके आगे बेहतर काम करने के लिए इशारा करते हैं। जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य अनवरत जारी है। मंगलवार को राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शलभ शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ महात्मा गांधी चिकित्सालय के टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। कोविड 19 वैक्सीनेशन का जो सेकेंड डोज का कार्यक्रम है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, वो चालू हो चुका है और उसी क्रम में आज हमने भी सेकेंड डोज ले लिया है। और मैं सबसे अपील करता हूँ, जो लोग रजिस्टर्ड हैं ऐप के ऊपर, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के समय पे अपने हिसाब से अपना टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है। और अब अगले 14-15 दिन में एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होने की हम करते हैं और इससे हमारा प्रोटेक्शन होगा। साथ ही हमें अपना जो नियमित जो बचाव के कार्य हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना और दूरी बनाए रखना, सामाजिक जो फंक्शंस हैं इनमें थोड़ा सा कमी जाएं लोग बाग, ये मैं अपील करता हूं लोगों से, इससे अपना बचाव करें और सुरक्षित रहें। भिलवाड़ा में मंगलवार को 339 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें से 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकले। आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि मंगलवार को 5 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद जिलों में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,358 हो गया है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार शराब की दुकानें रात्रि को 8 बजे तक खुली रखी जा सकती है। मिली भगत का खेल होने से ही शराब की दुकानों पर तो ठीक समय पर ताले जड़ देते हैं, किंतु समय समाप्ति के बाद आने वाले ग्राहकों को डेढ़े दुने दामों पर शराब उपलब्ध करा दी जाती है। अजमेर मार्ग स्थित डेयरी के सामने शराब की दुकान पर चल रहे इस कारोबार को कैद किया लोकवाणी के कैमरे ने। पिछले दिनों मिली भगत के इस खेल का भांडाफोड़ भी हुआ था, जिसमें आबकारी विभाग के निरीक्षक को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। उसके बावजूद भी ये खेल अभी तक जारी है। बालाजी मंदिर बालाजी मार्केट में रक्तांजलि में रक्त पुष्प अर्पण के पोस्टर विमोचन किया गया। इस विमोचन में महंत आशुतोष शर्मा के सानिध्य में ताराचंद मिश्रा, भूपेंद्र मोगरा, मंजू पोखरना, अनिल चौधरी, मनोज कचोलिया, विक्रम दादीज, अनिल अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, सुरेश बम, प्रदीप शर्मा उपस्थित थे। 24 फरवरी को रक्तांजलि का शुभारंभ प्रातः 10 बजे जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इस रक्त अर्पण में कोरोना महामारी से दिवंगत आत्माओं को रक्त श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। कोविड महामारी में जिन जिन के परिजन असामयिक ही स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया, उनको
पुण्य स्मृति के लिए बालाजी मंदिर बालाजी मार्केट में कल तारीख 24/2/2021 बुधवार को प्रातः 10 बजे से रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है। रक्तदान का लक्ष्य लगभग 108 यूनिट रखा गया है, इससे अधिक भी हो सकता है। सभी रक्तवीरों रक्तदान करने वालों को इसकी सूचना संचार माध्यमों द्वारा दे दी गई है। यह रक्तदान जिस किसी को आवश्यकता हो, दुर्घटना में या विशेष बीमारी में परिस्थिति में उनको तुरंत ही उपलब्ध हो, इस कामना के लिए ये रक्त संग्रह किया जा रहा है। मांडल मार्ग पर ओवर ब्रिज बनाने को लेकर मांडल उपखंड कार्यालय पर ग्रामीणों के साथ आपत्ति को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। नेशनल हाईवे 198 ब्यावर बदनोर आसिन हरिपुरा मांडल मार्ग पर ओवर ब्रिज बनाने को लेकर मांडल उपखंड कार्यालय पर ग्रामीणों के साथ आपत्ति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री एवं मांडल विधायक रामलाल जाट, उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना एवं NHI मांडल प्रभारी अधिकारी दिव्यांश, मांडल तहसीलदार सहित कई लोग उपस्थित थे। हरिपुरा के लोगों ने ओवर ब्रिज बनाने से रोजी रोजगार चले जाने की शिकायत तथा उन्होंने बिना मुआवजे के अपनी भूमि देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मांडल विधायक रामलाल जाट द्वारा लोगों को समझाने पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए तैयार हो गए। मांडल में भी बाईपास को लेकर चर्चा हुई, जिसमें शाहपुरा तिराहे से बाईपास बनाने पर चर्चा हुई। मांडल सरपंच सत्यनारायण मुंदड़ा, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश बेरवा, गोवर्धन खारोल, रामेश्वर बेरवा, सिद्धेश्वर महादेव, सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी बैठक में उपस्थित थे। डिसीजन तो सरकार करेगी, लेकिन जो मांग जनता की हरिपुरा की मांडल कस्बे वासियों की मांग थी, उस संबंध में उपखंड अधिकारी जी ने NHI के PD प्रोजेक्ट मैनेजर और उनके लीगल एडवाइजर उन सबको बुलाया, उनकी मीटिंग हुई। तो जनता जो राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों ने जो अपने सुझाव दिए उनको हमने आज इसमें लिया है। उसके आधार पर ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों को लेकर वो प्रस्ताव आएंगे, उसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार भारत सरकार को जाएंगे। प्लस मैं विधायक होने के नाते मेरा भी उसमें जितना उपयोग होगा, मैं सांसद महोदय से मेरी चर्चा भी हुई, टेलीफोन पे बात हुई, उन सब चीज़ों को लेकर भारत सरकार में NHI मिनिस्टर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि जो जनता के हित के लिए सरकारें बनती है, जनता के हित में वही चीज़ ठीक है जो वहाँ के लोग चाह रहे हैं। नगर पालिका की बैठक, बोर्ड बैठक, अधिशासी अधिकारी के मेडिकल पर रहने, 15 मिनट का इंतजार करने के बाद कांग्रेस पार्षद अपने घर के लिए रवाना होने की वजह से बैठक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एक बार फिर कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थ की राजनीति के नगर का विकल्प राजनीति की बलि चढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या अधिशासी अधिकारी जो कल तक ठीक थे उनको आज ही बीमार होना था, या इसके पीछे सत्ता पक्ष की राजनीतिक षड्यंत्र का दबाव रहा? अगर ऐसा ही माहौल नगर पालिका का रहा तो क्या नगर पालिका क्षेत्र का विकास होना संभव है? बोर्ड बैठक कक्ष में विधायक गोपीचंद मीणा, चेयरमैन नरेश मीणा, वायरस चेयरमैन राजीव कांटिया सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद बैठक कक्ष में बैठे रहे। विधायक गोपीचंद मीणा ने शासन सचिव भवानी सिंह देशा से वार्ता कर नगर पालिकाओं का चार्ज तहसीलदार को देकर बोर्ड बैठक जारी रखने के लिए कहा। विधायक मीणा सदन के अंदर बोर्ड बैठक में अधिकारी लाने को लेकर जिला कलेक्टर से लेकर शासन सचिव दोपहर 1 बजे तक फोन करते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। पहले ही बोर्ड बैठक नहीं हो पाई। पालिका बोर्ड बैठक ना होने से एक बार फिर जाजपुर पालिका राजनीति की बलि पर चढ़ता नजर आ रहा है। मानव की कामना ही जीवन के दुख का मूल कारण है। पद लुप्तता मोह माया के चक्कर में इंसान ही अपनी देह का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। अपने शरीर को सुख देने के लिए न जाने कितने पाप करता है, जबकि शरीर नश्वर है। चिंतन और मनन करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन का लक्ष्य पाकर संसार के बंधनों से मुक्त हो पाएगा। जगत गुरु स्वामी राम दयाल ने मंगलवार को राम द्वारा में महाप्रभु रामचरण जी के महाराज के 301वें प्राकट्य महोत्सव के तृतीय दिवस आयोजित सत्संग से उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं से यह बात सत्संग के दौरान कही। खाचरोल से पधारे संत रामानुज महाराज ने कहा कि महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र के उत्थान और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। संत भंडारी हर्षुक राम महाराज ने संचालन करते हुए कहा कि महापुरुषों नाम लेने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। राजेंद्र पोरवाल ने भजन के द्वारा भावना प्रकट की। सुनील चपलो जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान राम द्वारा ट्रस्ट के जगदीश सोमानी, महावीर बाल्दी, अशोक अजमेरा, रमेश चंद्र राठी, पारसमल पिपाड़ा पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे हुए अतिथियों का स्वागत किया।
लेकिन सच जो भी चर्चा बहुत प्यारी है, यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि अज्ञात ज्ञान नित्यत्वं तत् ज्ञानं निदर्शनम् एतज्ज्ञानं एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं वही तो जीवन रूप है जिसके पास में अध्यात्म का ज्ञान नित्य है, नित्य के पति है। अब अध्यात्म ज्ञान क्या होता है? आत्मा अनात्मा तत्व के बारे में जिसके पास में बोध है उसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अस्तु, ये बात क्यों याद आई? कामना चाहत अपेक्षा इच्छा ये सब दुख का मूल कारण है। किम सुख दुख में वचा, सुख क्या है दुख क्या है? भगवान ने जो उत्तर दिया बहुत प्यारा, हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको याद दिलाते रहेंगे। सुख क्या है? सुखम दुखा सुखात्याय, दुख सुख अत्यय सुख जाना दुख और सुख की। और किम दुखम, दुख क्या है? दुखा काम सुख अपेक्षा, काम कामनाओं की सुख की अपेक्षा ही दुख है। कामना सत्ता की हो, कामना संपत्ति की हो, कामना जमीन जायदाद की हो, कामना सौंदर्य की हो, जो हो वो हो, पर काम दुख का कारण है। दुखा काम सुख अपेक्षा। भीलवाड़ा के उपनगरपुर वासियों ने आज दो महिलाओं पर हनी ट्रैप करने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। पीड़ित पूर्ववासी ने कहा कि कस्बे के बाहर सरकारी जमीन पर कब्जा करके घुमंतू समाज के व्यक्ति अपने पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। इसमें से दो महिलाएं आए दिन कस्बे वासियों को झूठे आरोप लगाकर पैसे ठेकती रहती है। उन्होंने लोगों में भय व्याप्त कर रखा है। सामाजिक कार्यकर्ता मोतीलाल सिंघानिया ने कहा कि हमने इनके खिलाफ कई बार कार्यवाही की परंतु रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, लेकिन वह उलट हमारे ही खिलाफ दुष्कर्म के गलत मामले दर्ज करवा रही है, जिसके कारण कस्बे में इनका भय व्याप्त हो रहा है। हमारी मांग है कि ऐसे मामलों की निष्पक्षता से जांच करवाकर उक्त महिलाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। मैं रमेश जी का सपोर्ट किया था, उनके साथ गया था, तो अचानक वो भी आकर गंदी गंदी गालियां थी, धमकी भी देके गई कि मार साहब के ऊपर बलात्कार का केस करेंगे। उसके एक घंटे बाद ही वो बलात्कार का केस कर देती है और उसके दो दिन बाद फिर से वापस मेरे घर के बाहर का एक प्रकरण बना करके मेरे पर बलात्कार और कपड़े वगैरह फाड़ने का इस तरह का प्रकरण बना देती है। झूठा मुकदमा बनाया और मेरे को काफी धमकाया और उन्होंने इतनी धमकी दी है कि अगर उन्हें इनके साथ लगे तो तुम्हारे घर पे आके मैं रहूंगी और सारे हमारी बकरियां हमारे बच्चे सब तुम्हारे घर पे आकर के रहेंगे और तुम्हारा नाश कर देंगे, हमारे को जानते नहीं है, समझौता कर लो वरना मतलब तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन मैं साथ लगा और मेरे ऊपर भी दो केस उन्होंने दायर कर दिए जो बिल्कुल झूठे बेबुनियाद है। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है और पीड़ित को न्याय मिले और हम सबको न्याय मिले, इसी आशा के साथ हम यहाँ आए। हम लोग भीलवाड़ा के उप शेरपुर के निवासी और समस्त भीलवाड़ा जिले के सामाजिक संगठनों के द्वारा पूर के पास में जो बागरिया जाति की जो महिला हैं वो हनी ट्रैप के मामले में से लोगों को उलझा कर उनसे अवैध वसूली कर बलात्कार के केस में उलझाने की धमकी देकर कई ऐसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, जिसमें अभी हमारे पास में पूर के लगभग यानी 13 लोग आए हैं जिनको अलग अलग तरीके से उलझाने के चक्कर से पैसा वसूल किया है और वो लोग मरने तक के लिए आत्महत्या करने के लिए तक के मजबूर हो गए। बिजोलिया के चंपापुर के ग्रामीणों ने सहायक खनी अभियंता पुष्पेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी महेश चंद्र मान और तहसीलदार लाला राम यादव को ज्ञापन सौंपकर चंपापुर में चल रहे अवैध खनन को बंद करवाने की मांग की।
ज्ञापन में बताया कि ग्राम आंटी चंपापुर में गांव के आबादी क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है, जिससे सरकार को राजस्व हानि हो रही है। अवैध खनन कार्यकर्ताओं द्वारा गांव के स्कूल के पास स्थित रास्ते पर अवैध खनन कर रास्ते को खुर्द बुर्द कर लाखों रुपए कीमती सैंड स्टोन पत्थर काटा जा चुका है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन खनिज विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके चलते अवैध खनन कर्ताओं के हौसले बुलंद है। ग्रामीणों द्वारा सोमवार को भिलवाड़ा पहुंचकर जिला कलेक्टर को भी अवैध खनन बंद करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। हमारे गांव चंपापुर में अवैध खनन चल रहा है और हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों बच्चियों को परेशानी आ रही है। रास्ते में चौराहे से स्कूल तक जाने का रास्ता है, बिल्कुल इर्द गिर्द हो रहा है और इस रास्ते पर दिन में बच्चे बच्ची स्कूल जाते हैं तो वहाँ परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहाँ पर डंपर चल रहे हैं, मशीनें चल रही है और हम स्कूल में जाके बोला, सर हमारे बच्चे बच्ची स्कूल रोज क्यों नहीं आ पा रहे, तो सर ने बोला तुम्हारे गांव में तो बीच में खाने चल रही है ये, इसलिए हमारे को बार बार छुट्टियाँ रखनी पड़ रही है, आप आगे जाके शिकायत करो ये करो। हमने फिर यहाँ आके बिजली आके माइनिंग में और तहसीलदार साहब को एसडीएम साहब को सभी को हमने एक एक दो दो बार रिपोर्ट दी तो हमारी सुनवाई टाइम पर नहीं हो पा रही है। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन संस्थान भिलवाड़ा द्वारा संचालित भीख नहीं किताब दो अभियान के तहत मांडलगढ़ तहसील के जोजवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणवश एवं नोटबुक बुक पेन पेंसिल रबर सहित शिक्षा सामग्री वितरित की गई। फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि फाउंडेशन के भीख नहीं किताब दो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ लक्ष्मण लाल वर्मा पीईओ जोजवा, प्रधानाध्यापक भेरूलाल शर्मा जोजवा, सरपंच गोपाल जाट, उप सरपंच चादमल कुमावत, फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हेमंत गर्ग ने माँ सरस्वती की वंदना कर किया। इस अवसर पर विजय वर्गीय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन का मूल आधार है, शिक्षा से ही संस्कार आते हैं और शिक्षा से ही हमें सम्मान मिलता है, इसलिए हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए ताकि हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच जोजवा ने फाउंडेशन के कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के अध्यापिका सावित्री मीणा, पिंकी मनवर मीणा, शिक्षक सुरेश सैनी, सत्यनारायण शर्मा, धर्मराज मीणा, एजाज अहमद, शारीरिक शिक्षक महेश टाक, समाज सेवी शिव पागरिया, नारायण शर्मा, नाथुलाल राजकुमार सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। प्रधानाध्यापक भेरूलाल शर्मा ने सभी अतिथियों का विद्यालय में पधारने पर अभिनंदन किया एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वह सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं।
अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले प्रदेश देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर फीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर फीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति फीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रामसनेय संप्रदाय के संस्थापक आधाचार्य अधिष्ठाता महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज का 301वां अवतरण दिवस 26 फरवरी शुक्रवार को शाहपुरा रामद्वारा में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। अवतरण दिवस के मौके पर 24 से 26 फरवरी तक शाहपुरा में कार्यक्रम होंगे। त्रिवेणी देवली सड़क मार्ग पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। बाइक सवार सब्जी बेचने जा रहा था, जिसको कार ने चपेट में ले लिया। बाइक सवार बिगोद निवासी मोहन रेगर बताया जा रहा है। बिगोद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ शाहपुरा की ओर से आज लॉर्ड बैडन पावेल का जन्मोत्सव के मौके पर स्काउट गाइड प्रशिक्षण स्थल पर चिंतन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्काउटरों का सम्मान भी किया गया। प्रशिक्षण शिविर केंद्र शिवपुरा में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर रीता धोबी ने किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।